तो दोस्तों, अगर आप भी योनो SBI का इस्तेमाल करके किसी को पैसा सेंड करना चाहते हैं, ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, यानी किसी भी अदर बैंक अकाउंट में अगर आपको अपना पैसा सेंड करना है, भेजना है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ कि योनो SBI का इस्तेमाल करके आप किसी भी अदर बैंक अकाउंट में किस तरीके से पैसा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए योनो SBI ऐप को सबसे पहले आप अपने फ़ोन में ओपन करेंगे। फ़ोन में ओपन करने के बाद यहाँ पर जो भी आपने MPIN अगर सेट किया होगा तो MPIN आप डालकर लॉगिन करेंगे, या अपना यूज़र नेम पासवर्ड डालकर आपको इस एप्लीकेशन के अंदर जो भी आपका यूज़र नेम है वो यूज़र नेम या जो भी आपने MPIN सेट किया है आपको डालकर लॉगिन कर लेना है। जैसे लॉगिन करेंगे इस तरीके से इसका डैशबोर्ड नज़र आएगा। अब यहाँ पर योनो पे का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं योनो पे, आप इस ऑप्शन पे, योनो पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर क्विक ट्रांसफ़र और बैंक ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र टू ऑन अदर अकाउंट। तो यहाँ पर आप बिना बेनिफिशियरी ऐड किए हुए अगर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, किसी को ट्रांसफ़र करना है तुरंत ही, तो यहाँ पर क्विक ट्रांसफ़र का ऑप्शन दिया गया है। यानी मान लीजिए आपको किसी को पैसा भेजना है, सिर्फ एक बार उससे पैसा भेजना है, दोबारा इन फ्यूचर आपको कभी उससे पैसा सेंड नहीं करना है, तो यहाँ पर क्विक ट्रांसफ़र वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है आपको। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगर उसका जो अकाउंट है वो SBI में है तो आप SBI वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अदर बैंक अकाउंट है, कोई दूसरा बैंक अकाउंट है तो यहाँ पर अदर बैंक अकाउंट का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो भी उसका नाम होगा जिसके पास भी आप पैसा सेंड कर रहे हैं, भेज रहे हैं, उसका नाम आपको यहाँ पर डालना है। अकाउंट नंबर जो होगा यहाँ पर आप डाल लेंगे, और फिर से आपको यहाँ पर फिर से आपको अकाउंट नंबर डालना है, यानी दो जगह आपको अकाउंट नंबर डालना है। उसके बाद IFSC कोड जो भी है उसका, IFSC कोड होगा जिस भी बैंक में आप जिसके पास पैसा सेंड कर रहे हैं, उसका जो अकाउंट है जिस भी बैंक में होगा उसका जो बैंक का IFSC कोड होगा वो उस कोड को आप यहाँ पर इंटर करेंगे। और इंटर करने के बाद नीचे आपको अमाउंट डालना है कि आप अमाउंट कितना ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, वो पैसा आपको यहाँ पर डालना है। और उसके बाद सिलेक्ट पर्पस यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से कोई भी एक ऑप्शन आप सिलेक्ट कर देंगे। सिलेक्ट करने के बाद नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सारा डिटेल्स इंटर कर लिया है, नेम यहाँ पर, अकाउंट नंबर, IFSC कोड सब कुछ डाल लिया है। यहाँ पर पर्पस में आपको कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एक और ऑप्शन मिलेगा आपको रिमार्क्स का, यहाँ पर कुछ भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद अगला इंटरफेस इस तरीके से आएगा। आपको एक बार फिर से कंफर्म कर लेना है कि सब कुछ आपका जो डिटेल्स यहाँ पर शो हो रहा है वो सब कुछ सही है, और उसके बाद नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से अगला इंटरफेस शो हो जाएगा, और यहाँ पर आपको बैंक की तरफ से एक OTP भेजा जाएगा। उस OTP को आप यहाँ पर इंटर कर लेंगे, और OTP इंटर करने के बाद नीचे सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप इस सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जो भी आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं जिसके पास भी, उसके पास आपका पैसा जो है वो ट्रांसफ़र सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर क्विक ट्रांसफ़र के बगल में बैंक ट्रांसफ़र का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका, ये दूसरा जो ऑप्शन दिया गया है, अगर मान लीजिए जिसके पास भी आप पैसा जो है वो भेज रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसके पास इन फ्यूचर यानी कभी भी आपको फिर से आपको पैसा भेजना होगा, अगर आप उसे सेव करना चाहते हैं ताकि दोबारा आपको पूरा डिटेल्स उसका एंटर ना करना पड़े, तो अब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा पे एन ए न्यू बेनिफिशरी, आप इस ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो भी आपका प्रोफाइल पासवर्ड होगा वो प्रोफाइल पासवर्ड आप यहाँ पर इंटर करेंगे, और उसके बाद नीचे सबमिट का ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद अगला इंटरफेस इस तरीके से आएगा, अगर जिसके पास भी पैसा सेंड कर रहे हैं उसके अकाउंट जो है SBI में है तो आप SBI ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, अदर बैंक अकाउंट है तो अदर बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर इस तरीके से क्लिक करना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं उसका नाम आपको यहाँ पर डालना होगा, अकाउंट नंबर डालना होगा, उसके बाद रीटाइप अकाउंट नंबर, री इंटर, यहाँ पर फिर से आपको दोबारा अकाउंट नंबर इंटर करना है। उसके बाद IFSC कोड यहाँ पर अपना जो भी जिसके पास भी पैसा सेंड कर रहे हैं उसका जो IFSC कोड होगा बैंक का वो यहाँ पर इंटर करेंगे। मैक्सिमम लिमिट यहाँ पर सेट करना होगा कि आप उसके जिसके पास भी पैसा सेंड कर रहे हैं, जिसको बेनिफिशियरी में आप ऐड कर रहे हैं, तो आप उसके पास कितना पैसा सेंड करना चाहते हैं, अगर कोई लिमिट सेट करना है तो यहाँ पर आप लिमिट सेट कर सकते हैं। निकनेम में उसका जो भी नाम होगा आप इंटर कर लेंगे निकनेम, और उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद अगला इंटरफेस इस तरीके से दिखाई देगा, जो भी उसका नाम आप डालेंगे यहाँ पर उसका अकाउंट नंबर, लास्ट 4 डिजिट शो हो जाएगा, आपका अकाउंट नंबर यहाँ पर दिखाई देगा, और जितना भी अमाउंट आप भेजना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 100 रुपया भी आपको भेज के दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर अमाउंट इंटर कर लेना है आपको। उसके बाद नीचे सिलेक्ट पर्पस का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करके कोई भी एक रीजन सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद रिमार्क में आप कुछ भी यहाँ पर इंटर कर सकते हैं, हाई हेलो कुछ भी आप लिख दीजिएगा। उसके बाद नीचे पे के ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे, जैसे पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसका डिटेल्स एक बार फिर से कन्फर्म करने के लिए बोलेगा। उसके बाद आई हैव रीड एंड एग्रीड द
टर्म एंड कंडीशन वाले ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद नीचे कंफर्म के ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे कंफर्म करते हैं तो आपके रजिस्टर नंबर पर बैंक की तरफ से एक ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को आप यहाँ पर इंटर कर लेंगे और ओटीपी इंटर करने के बाद नीचे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा। इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करते हैं बस कुछ सेकंड आप वेट करेंगे। कुछ सेकंड जैसे ही वेट करेंगे अगला इंटरफेस इस तरीके से ट्रांजेक्शन इज सक्सेसफुली, जो भी आपका अमाउंट है वो आपके अकाउंट से कट हो जाएगा और जिसके पास भी आप पैसा सेंड कर रहे हैं उसके पास पैसा चल जाएगा और यहाँ पर आपका जो अवेलेबल बैलेंस है वो भी शो हो जाएगा।